ही गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ हिना और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का रिव्यू। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स के चारकोल फेस मास्क का रिव्यू। ये मुझे भी रिसेंटली पर्पल से मैंने कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए थे तो उन्हीं के साथ फ्री रिसीव हुआ है। तो चलिए, फर्स्ट जो मुझे रिसीव हुआ है वो है ग्रीन टी फेस वॉश। आप देख सकते हैं ये एक सैशे में रिसीव हुआ है जो कि 8 ml की क्वांटिटी के अंदर आता है और यहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन मिल जाएगा, इसको कैसे यूज़ करना है और कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, आप कब तक इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो ये सैशे हैं ये सेल के लिए नहीं है, इसको सिर्फ फ्री आपको प्रोवाइड किया गया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसकी जो बॉटल है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस, सेकंड सेशन जो मुझे मिला है वो है गुड वाइब्स का डीप क्लिनजिंग फेस मास्क विथ एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है गाइस हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे फेस को डीप क्लीन करता है और हमारे जो पोर्स होते हैं उन्हें मिनिमाइज करता है और उनके अंदर अगर कोई डर्ट और ऑयल होता है उसको भी जो है ये अच्छे से क्लीन करता है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए ये डेफिनेटली बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है और ये फेस मास्क आपको अपने फेस पे 15 या 20 मिनट्स तक अप्लाई करके रखना है और उसके बाद इसे वॉश कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँगी इसमें जो भी इन्ग्रीडियंट है तो आप उसे रीड कर सकते हैं ईजीली। सो गाइज, अब मैं आपको ये फेस मास्क अपने फेस पे अप्लाई करके बताऊंगी। मैंने अब तक कोई भी गुड वाइब्स का फेस मास्क ट्राई नहीं किया है, सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं फ़र्स्ट टाइम इस फेस मास्क को अप्लाई करूंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर करूंगी मेरे फाइनल रिव्यू। सो गाइज, इस मास्क की जो कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हैं वो थिक है, तो आपको इसे डायरेक्टली अप्लाई करना है, इसमें कोई भी वाटर या रोज़ वाटर ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली अपने पूरे फेस पे और नेक पे इसे अप्लाई करना है। 15 या 20 मिनट्स तक इसे अप्लाई करके रखना है और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपको इसे वॉश करना है। ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं होता है गाइस, तो बस आप इसे मिनिमम 20 मिनट्स तक अपने फेस पे अप्लाई करके रखें और उसके बाद आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। सर्कुलर मोशन में आप अपने पूरे फेस पे मसाज करें और उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लें। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा फाइनल रिव्यू। सो मुझे इसे यूज़ करके बहुत अच्छा और रिफ्रेशिंग फील हुआ, मेरा फेस मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन लगा और नोज़ में जो मेरे थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स थे वो भी क्लीन हो गए। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी कि ये वाला फेस मास्क आप ट्राई करें और वीक में 1 टाइम आप डेफिनेटली मास्क यूज़ करें। थैंक यू सो मच गाइज़।